क्या है इंस्टाग्राम के वैसे लोग देखेंगे ऋतिक रोशन टाइगर श्रॉफ और सबसे पहले रियलाइज करेंगे सिक्स पैक बनाना है एट पैक बनाना है जब आमिर खान की भी कोई फिल्म आएगी तो लगेगा कि यार ऐसी बॉडी बनानी है ये सब बहुत जरूरी है कि यू you नो know, लुक्स एक होना ही चाहिए आजकल के जमाने में ऐसा नहीं है जितने भी बहुत सारे एक्टर है आप देखो दे नॉट ग्रेट लुकिंग एक्टर जो भी hmm. अच्छा एक्टर होता है वो अच्छा दिखने लगता है वही ही नवाज विल बिकम द रोल मॉडल सेम बिकम रोल मॉडल सेम राजमार बिकम रोल मॉडल सब देखते हैं कि शाहरुख खान है मन्नत का घर देखेंगे वहां देखेंगे कि मुझे ऐसा बनना है इज इट पॉसिबल शाहरुख खान तो एक ही है See, ये तो ये है कि कोई दूसरा शाहरुख़ खान नहीं हो सकता। लक yeah. hmm. भी बोलेगा यार थोड़ा तो तो काम कर ज़िंदगी <laughs> में आ जाऊँ हेलो ऑन बॉलीवुड हंगामा With me on Bollywood Hangama is Bollywood's most wanted Mukesh Chavra. You are Bollywood's most wanted. You have come a really long way. This is my first interview, Mukesh. So we will go back and forth. You be ready to tell me all the stories. I will. I am very happy. I am finally collaborating with you after so many years. I have known yes. you for many years. This is very interesting. Yes. yes, yes. Thank you. Mukesh, this is an office in Andheri Aram Nagar. <laughs> Uh, ये क्या ऑफिस है आप लोगों को समझाएंगे यहाँ कौन आ सकता है इतने एस्पायरिंग एक्टर्स तो मुंबई आते हैं आपसे मिलने यहाँ पे एक्जेक्टली exactly क्या होता है दिस ऑफिस इज लाइक जिस एक्टर को भी इस ऑफिस में आना है जिसको भी एक सपना है कि उस इस फील्ड में आने का एनी बडी कैन वॉक इन डॉ माई ऑफिस देर आर पीपल फ्रॉम इलेवन टू टू वी मीट एवरी इंट्रोडक्शन वीडियो तो जिससे ऑफिस जहाँ पे हम वर्कशॉप करते हैं जहाँ कास्टिंग करते हैं जहाँ पे सारे डायरेक्टर आते हैं जहाँ पे ऑब्वियसली फिल्म स्टार एक्टर जो भी वर्कशॉप करते हैं सब इस ऑफिस में आते हैं ये वो अड्डा है जहाँ पे इफ़ यू आर टैलेंटेड जस्ट वॉक इन बट पॉसिबल है कितने लोग आते हैं मुंबई यहाँ पर तो लाइन लग जाए लोगों की कुछ डेज बहुत दो सौ तीन सौ छह सौ दिन में पॉसिबल है इतने ऑडिशन देखना आपको ऑडिशन देखना मुश्किल मुश्किल होता है लेकिन हम एक इंट्रोडक्शन लेके रखते हैं okay. कि आप उससे हमको मालूम चलता है कि आप कहाँ के रहने वाले हो आपने कितना थिएटर किया है hmm. आप कैसे दिखते हो बिकॉज इंट्रो लेने का मेरा मेन पर्पज़ यही था

अगर स्कैम के गुजरात में सेट है तो वी लेट्स ओपन तो ना गुजरात का फोल्डर डूइंग अ फिल्म इन बीच इन कश्मीर उसके अकॉर्डिंग कीप ओपनिंग दोस एंड स्टार्ट कॉलिंग पीपल अमेजिंग दैट्स वेरी ऑर्गेनाइज्ड अगर कई ऐसे भी लोग हैं ये तो हम इंटरव्यू मुंबई में कर रहे हैं ये लोग जो यहां आ सकते हैं ऐसे कई लोग इंटरव्यू देख रहे हैं जो मुंबई में उनको अब तक पेरेंट्स से परमिशन नहीं मिली आने की हो सकता है टैलेंट हो लुक्स हो आप उन्हें क्या कहेंगे कैसे वो अपना इंट्रोडक्शन वीडियो भेज सकते बहुत सिंपल है हमारा ई मेल सब जगह अवेलेबल है और ऑल्सो मेरा एक ऐप भी है जो मैंने मैं उसको

अब ये वो टाइम है जब आपको बॉम्बे आने की जरूरत नहीं है इफ़ यू टैलेंटेड बी इन योर सिटी लॉट ऑफ एक्टर लाइक राजेश लगे वो दिल्ली में रहते हैं एक्टिंग करते चले जाते हैं इधर आदिल हुसैन वो भी है गुजरात में एक्टर शूटिंग करते वहां पे चले जाते आई थिंक अभी वो टाइम है आप सिर्फ फोकस ऑन योर क्राफ्ट आप जहां भी हैं आप हम तक तो नहीं भी पहुंच पाए हम अब तक तो पहुंच जाएंगे ये एक टारगेट है नहीं सर यू नो फोकस क्राफ्ट एक यू नो हाउ डू देस ऑन द्राफ एक नया एक्टर है सपोज अभी अभी वो एक लगा है कि मुझे एक्टर बनना है क्या वो आस पास एक्टिंग कोर्सेज करे ऑनलाइन कोर्सेज करे वॉट डे यू रेक्टर आई एक्चुअली जनरली रिकमेंड को जितनी भी वर्कशॉप होती है आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की तो जरूरी होती है hmm. आपको करनी भी चाहिए लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है आपको थिएटर करना चाहिए क्योंकि एक ऐसा hmm. मीडियम है जहाँ पर आपके बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं होते हैं yeah. आप चार दोस्त मिलकर एक नाटक तैयार कर सकते हैं किसी की के ले हैं। क्योंकि जितना है और उसके लिए किसी भी आ, कहते ना कोई प्रॉपर जगह की जरूरत भी नहीं टेबल हटाए यहाँ भी शुरू कर सकते हैं पर जिस कहते जिसकी इच्छा होती है वो कहीं भी थिंग जस्ट कीप डुइंगेटर क्योंकि हम मोस्टली क्या करते हैं कि सिर्फ जिम जा रहे आइडिया जो मेन काम है हमारा वो है परफॉर्मेंस लोग आप आपको याद है बिकॉज ऑफ भी को मात्र है परफॉर्मेंस तो अल्टीमेटली लोग आपका वेट करेंगे कि आप कितने अच्चे 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 अच्चे। क्या है इंस्टाग्राम के वैसे लोग देखेंगे ऋतिक रोशन टाइगर श्रॉफ और सबसे पहले रियलाइज करेंगे सिक्स पैक बनाना है एट पैक बनाना है जब आमिर खान की भी कोई फिल्म आएगी तो लगेगा कि यार ऐसी बॉडी बनानी है ये सब बहुत जरूरी है कि यू नो लुक्स एक होना ही चाहिए आजकल के जमाने में ऐसा नहीं है जितने भी बहुत सारे एक्टर है आप देखो दे नॉट ग्रेट लुकिंग एक्टर जो भी अच्छा एक्टर होता है वो अच्छा दिखने लगता है

एकदम कीप डिस्कसिंग कि आपको कैसा लगता है कि वर्ल्ड कैसा होना चाहिए कि स्कूप कैसा होना चाहिए या फिर uh, अनुभव जनक फिल्म कैसे होना चाहिए राजू रानी चमकीला कैसे होना चाहिए इनका तो डंकी कैसे होना चाहिए जवान कैसे होने चाहिए तो हम एक ब्रीफ को अंडरस्टैंड uh, करते हैं उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग वी स्टार्ट आर सर्च ओके

oh wow, director no actor? actors yes they do because so they get see actor सबसे वनेरेबल स्टेज पे होता है इमोशनल होता है mm -hmm. और वो बहुत जल्दी नेगेटिविटी में चला जाता है mm -hmm. क्योंकि एक सेकंड लगता है आपको कि सुन अरे यार उसका क्यों हो गया mm -hmm. तो वो बहुत सेंसिटिव स्पेस होता है यू अंडरस्टैंड बट अल्टीमेटली व्हेन दे सी द फिल्म दे ऑलवेज मैसेज मी यार योर वर ही वर बेटर देन मी दे डेट अ गुड जॉब या बिकॉज़ इट्स नॉट अबाउट यू आर गुड एक्टर और ही इज अ गुड एक्टर कौन राइट फॉर द पार्ट

अगर आपको लग इतना ही अच्छा है फिर हाँ, आप उसी शहर में रहो प्रोड्यूसर हाँ, आ जाएंगे अगर। प्रोड्यूसर आ जाएंगे हाँ। ना मेल मार देंगे <laughs> <laughs> तो लग पे लोग ये लोग हमेशा मैं हमेशा बोलता हूँ कि बहुत मेहनत लगती है हम हाँ, हाँ, हाँ। 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 अभी आप आप किसी एक एक्टर का नाम लो जयदीप अलावर hmm. वो पंद्रह साल से यहाँ पर ही गॉट हिज फेम नाउ ही वाज ही डिड वन सीन इन रॉकस्टार रणबीर

आप अपने आप को कैसे इस शहर में पॉजिटिवली hmm. रह सकते हो और अपने स्ट्रगल hmm. को कर सकते हो hmm. क्योंकि अगर आपने hmm. work, hmm. बिना को है, किसी को एक साल लगे कर दो पांच किसी को दस क्योंकि ये जर्नी के किसी को नहीं पता। एक फ्राइडे आपका चेंज होता है दस साल भी लग सकते हैं

भी तो यहीं से आए यू नो एक और चीज है कि कंसिस्टेंटली काम मिलना सपोज एक मिल गई पिक्चर सलमान खान के साथ या आमिर खान प्रोडक्शंस में uh, किसी ने नोटिस किया नहीं किया देन वो काम मिलते रहना वो कितना मुश्किल है एक्टर्स के लिए एक बार आपका एक शो कंफर्म हो गया आपके अगर आपको किसी ने बहुत पसंद कर लिया आपके शो में सारी दुनिया आपके पीछे लग जाती है प्रतीक गांधी को स्कैम देखने के बाद पूरी दुनिया ने पकड़ लगी ये बहुत अच्छा है इसको उठा लेते हैं तो आपका एक काम ऐसा होना जैसे आप बहुत सालों से काम करते हैं लेकिन एक काम ऐसा होता है जिसमें आपको लगता है कि यहाँ से मेरा गेम शुरू हो गया चेंज हो गया जयदीप अलावत का बतालो हुआ विजय वर्मा का डार्लिंग्स हुआ यू mm -hmm. नो सो so, yeah. राजकुमार का तो ऑफ कोर्स शाहिद और कायपूछी yeah, yeah. तो एक कुछ ऐसे काम होता है जिसमें पंकज त्रिपाठी का तो वासीपुर yeah. उससे पहले वो कितनी फिल्म कर चुका था हां करेक्ट या सो आई थिंक वो जो चेंज होता है ना yeah. एक आपका चेंज होता है जो आपके लाइफ डिसाइड कर देता है कि अब मैं आ गया हेलो माय नेम इज मुकेश छाबड़ा एंड यू वाचिंग मी ऑन बॉलीवुड हंगामा